जोड़ा शख्स अल्लाह बजुर्गो बरतर की रबूबीयत का इकरार करता है तो यह मनता है कि अल्लाह अकला ही रब है, उनकी रबूबीयत उनका कोई शरीक नहीं, सांझी नहीं, उनके तो लाजमी है कि उनकी अलूहीयत का भी इकरार करे, ज़ाहरी तो बातनी इबादत के अंदर इनकी इनफरादियत का इतराफ़ तो उनके अलावा सब की नफ़ी करना, क्योंकि इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो जड़ा उन खालिक है, राजिक है तो मालिक तो हाकिम है। जदों तक ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह के वास्ते नहीं होंदा तो उदों तक वाजिब है कि उनकी इबादत की जाए। सिर्फ अल्लाह की रबूबीयत का इतराफ़ इस्लाम च दाखिल होने वास्ते काफ़ी नहीं, अलूहीयत का तस्लीम करन दे बरक्स, क्योंकि इन दे रबूबीयत नूं तस्लीम करना भी शामिल है और इनका मनन आला इस्लाम च दाखिल होता है। अगरचे मुशरका ने अल्लाह ताला दी हाकिमत नूं तस्लीम किया लेकिन उन्होंने उनकी अलूहीयत की मुखालफत की, लिहाजा उन्होंने इनका इतराफ़ नहीं किया। यही वजह है कि कुरान मजीद का तरीका है कि अल्लाह ताला दी रबूबीयत की आयात का जिक्र किया गया है और उन्होंने आयतों का भी जिक्र किया गया जिनके तौहीद अलूहीयत की दावत दी गई है। फरमाने बारी है ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिन्हें तुहानू और तो पहले लोगों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुसी परहेजगार इबादत करो तो तुसी परहेजगार बन जाओ। जिन्हें तुहाडे वास्ते जमीन नू बिछाउणा ते आसमान नू छत बनाया और उन्हें आसमान तो पानी उतारिया, ये पानी के जरिए तुहाडे वास्ते खाने ते कई फल पैदा किए, तो तुसी जानबूझ कर अल्लाह के शरीक ना बनाओ। तौहीद अलूहीयत दीन की जड़ है, इस्लाम के कवानीन की बुनियाद है। यही वो मकसद है जिन्हें वास्ते अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और किताबां नाजिल कीतियां, इनके वास्ते ही जन्नत और दोज़ख पैदा किए गए। अल्लाह ताला का फरमान है और बेशक हर उम्मत चो एक रसूल भेजा गया, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो तो शैतान तो बच जाओ। तो उन्होंने कुछ लोगों को हदायत दे दी गई तो कुछ के उत्ते गुमराही साबित हो गई। तो तुसी जमीन च चल फिर के देखो कि झूठे चटलान वाले जड़े ने उन्हों का अंजाम की होया। तौहीद अलूहीयत दे वास्ते जरूरी है कि दीन नू मुकम्मल खालिस अल्लाह की जात वास्ते किया जाए। उनके लिए मुहब्बत तो उनकी ही तस्बीह इबादत मुहब्बत ताज़ीम उस कल्ले वास्ते दे सामने अपने सर नू तस्लीम अपने सर नू झुकाना, उनदे ते भरोसा करना, उनकी तरफ रजू करना, उनदे कोल दुआ करना, उनदे तो डरना और उम्मीद रखना। इस तरह असी अपनी तमाम दिली जिस्मानी इबादत अल्लाह दे वास्ते वक्फ कर देने आ, उनदे सिवा किसी चीज़ नू उनदे नाल शरीक नहीं करते। इनका यह भी तकाजा है कि असी अपनी मन्नतां ते अपने जानवर नू ज़िबा करना सिर्फ अल्लाह दे वास्ते खास कर लिए और इस तरह असी अपनी तमाम कलबी ते जिस्मानी इबादत अल्लाह वास्ते खास कर दईए और उनके अलावा किसी नू इनदे नाल शरीक ना ठहराइए।